तो जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा, अंकुश सूरज के एक दोस्त से मिलता है जो कि बहुत अमीर है, और सूरज उसे बताता है कि वो एक कार चोर है, गाड़ियां बेचता है चोरी की, और कार चुरा के बेचने की वजह से ही उसके पास इतना पैसा है। तो अंकुश डिसाइड करता है कि अब वो और सूरज भी कार चोर बनेंगे। वो पहली कार चुराते हैं जिसको उनसे एक नशेड़ी चुरा कर ले जाता है। अरे? दूसरी कार चुराने पर भी उन्हें बैंक रॉबर्स मिल जाते हैं जो उनसे गाड़ी छीन लेते हैं। अरे दोनों हाथ ऊपर करके चलो। तीसरी गाड़ी चुराने पर उन्हें डिक्की से कुछ आवाज आती है। आवाज तो डिग्गी पे से आ रही है यार। अब आगे भाई, ये तो डेड बॉडी है। साले मुंह के अंदर घुस के ऐसा घुसंड मारूंगा ना। तुझे कहां से डेड बॉडी लग रही है? अबे साबुत जिंदा लड़की है ये। पर ये है कौन? मुझे क्या पता साले। तो फिर अब करना क्या है भाई? एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहां से गाड़ी भगा लेते हैं, किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। चल भाई चल चल। भाई एक काम करते हैं, गाड़ी किसी सुनसान रोड पर ले चलते हैं, इसके मुंह से टेप हटाते, कम से कम पता तो चले ये है कौन। बिल्कुल सही कह रहा भाई तू, तभी होगा दूध का दूध और नानी की नानी। अबे पानी का पानी यार। अबे तू रोता क्यों रहता है? हमेशा पी लियो ना पानी, गाड़ी चला। चुप साले। अब देखो तुम जो भी हो, हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, इसकी मम्मी की कसम। मेरी मम्मी? अब चुप रहना, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक। देखो हमने बस ये गाड़ी चुराई थी और हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, ठीक है? तो अब मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटा रहा हूँ, तुम प्लीज चिल्लाना मत, ओके? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम चिल्ला। देखो अगर तुम एक बार और चिल्लाई ना तो पूरी जिंदगी इसी डिक्की में पड़ी पड़ी मर जाओगी, समझी? फिर ना रहेगा बांस और ना बनेगी झोपड़ी। अब खोलूं? पक्का? अब बताओ कौन हो तुम? पिज्जा। क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, पिज्जा खाना है। अबे क्या फिल्म है ये? पुलिस। ओ शिट, पुलिस! जल्दी डिक्की बंद करो, गाड़ी भगाओ। क्या? जल्दी स्टूपिड, जल्दी। ओके। सूरज भगा भाई भगा। अबे भगा तो रहा हूँ यार। अभी भी पीछे आ रहे हैं, सूरज तेज भगा भाई प्लीज। और तेज और तेज और तेज। ओ भाई बच गए। हाँ यार, थैंक गॉड। ये साला हो क्या रहा है हमारे साथ? खोल इसके पैर। तुमको किसी ने किडनैप करा है, पुलिस को देख के उनसे हेल्प मांगने के बदले ये पुलिस को देख के छुप रही है। अरे क्या बसड़ है ये? मैं सब कुछ समझा दूंगी तुम लोगों को, पर पहले प्लीज मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वरना तुम लोग अभी तक तो किडनैपिंग के केस में फंसने वाले थे, अगर मैं भूखी मर गई ना तो मर्डर के केस में फंसोगे, बता रही हूँ। भाई किसी ने दो जन्म की भूखी किडनैप कर लिया, ले चल इससे कहीं, उसके मुंह में ठूस बटाना पड़ा या कुछ कुलचा। तुम दोनों बैठो गाड़ी में, चलो। सर यू आर ऑर्डर प्लीज।
भैया एक वन पिज्जा वेज डिलाइट, वन वेज व्हाइट सॉस पास्ता, वन पनीर मलाई टिक्का रोल एंड आई टेक वन हक्का नूडल्स वेज और एक आइस टी पीच एंड हाँ हनी चिली पोटैटो। अरे इतना थोड़ी ना खा लेंगे हम। हम ये सब तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, आप लोग अपना ऑर्डर कर लो। और इस सब का बिल तुम्हारे पापा भरेंगे? अभी तो तुम लोग ही भरोगे ना, पापा बाद में दे देंगे, डोंट वरी। मतलब बाद में समझाऊंगी ना, अभी प्लीज ऑर्डर करो ना जल्दी, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। भैया यहाँ सबसे सस्ता क्या है? सैंडविच। एक सैंडविच ले आना और एक एक सैंडविच ले आना भैया, आधा आधा खाएंगे। ओके सर। सॉस छिड़क के हमें सटक जा। उसकी राक्षसनी। ठीक है ना, नहीं खा रही। क्या है, लात क्यों मार रही है? मैंने तेरे से कुछ कही है? अरे वो लात नहीं मार रही, लाइन मार रही है। लाइन? तो भाई मैं भी मारूं क्या लाइन? मार मार। सॉरी आपको लगी तो नहीं? Shut up, you stupid. अरे आप इसे छोड़ो, आप अपने बारे में कुछ बताने वाले थे ना? हाँ बताओ ना, आप कौन हो और ये लोग आपको किडनैप क्यों कर रहे थे? मैं प्रेरणा हूँ। किसकी? अबे चुप साली। मेरा नाम प्रेरणा है, मेरे पापा शहर के ACP हैं। वो एक्चुअली किसी को मेरे पापा से बदला लेना होगा इसलिए मुझे किडनैप कर लिया। तुम लोगों ने क्यों गाड़ी चुराई है? रेस लगाने के लिए। क्या? अरे पैसों के लिए चुराई होगी ना यार। ऐसे तो तुम्हें मेरे पापा से मिल जाएंगे, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, डोंट वरी। वो कैसे? देखो तुम लोगों को पता है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया है, मुझे पता है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया है, पर पापा को तो नहीं पता है ना बुद्धू। तो ये कि मैं तुम्हें पापा का नंबर दूंगी, तुम उन्हें कॉल करना और फिर उनसे फिरौती मांग, जितना रुपया मांगोगे उसका दुगना मिलेगा। अरे यार आइडिया तो बहुत बढ़िया, पर इसके पापा ना ACP है भाई, अगर गलती से भी हमारे नंबर से हमारी आईडी निकाल ली ना तो मार मार के कुत्ता बना देंगे, वो भी पमेरियन। ये बात भी सही है। हाँ वो टिकी में मेरा फोन गिरा हुआ था, उससे कॉल कर सकते हैं, फिर कॉल करने के बाद फोन स्विच ऑफ कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है चलो। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा, तू बात कर लेना प्लीज। अबे करना साले बात तू। हेलो हेलो, मैं बेटी बोल रहा हूँ तुम्हारा, डॉन हमारे पास है। मेरा मतलब है मैं डॉन बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। कहाँ से बोल रहे हो तुम? हम गली नंबर 2। देखो ज्यादा सवाल मत पूछो, जितना कह रहे हैं उतना सुनो और उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी हमारे पास है और उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10,000 रुपए। 10 लाख? तो 10 लाख रुपए लेके जहां हम कहेंगे वहां आ जाना, और गलती से भी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी तो तुम तो खुद ही पुलिस वाले हो ना, तुम कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, कैसी बात करी मैंने? अबे क्या खाक बात करी, बात और बिगाड़ दी। अबे बंदर क्या जाने मगरमच्छ का स्वाद। अबे अदरक, अभी तो तूने खाना खाया है, अब तुझे अदरक वाली चाय भी पीनी है, हद है यार। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब बताओ आगे करना क्या है? अरे करना कुछ नहीं है, कल तुम्हारे पापा हमारे पास पैसे भेज देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे पापा के पास भेज देंगे, फिर तुम भी खुश हम भी खुश सब कुछ। ओ हेलो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ समझे? क्यों? क्योंकि मेरे पापा ना मुझे कहीं घूमने फिरने नहीं देते हैं, उनको हमेशा ये लगा रहता है कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा। हाँ तो सही तो लगता है उन्हें, इसीलिए तो मैं भी घर नहीं जाना चाहती। बस ये समझो कि अभी मैं छुट्टी पे हूँ, अब तुम दोनों मेरे केयरटेकर्स हो और जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। वरना ये कि मैं पापा को कह दूंगी कि तुम दोनों ने मुझे मारा। क्या? पीटा। क्या? फिर तो मेरी इज्जत। नहीं 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 नहीं, बताओ क्या करना है? शॉपिंग। यहाँ जहर की गोली खाने के पैसे नहीं है, इनको शॉपिंग और करनी है। तुम मुझे शॉपिंग करा दो, जहर की गोली खाने के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे मेरे
चुप रहे भाई, कोई बात नहीं। सुनी जरा, समय आने पे ना गधैया को भी फूफस बनाना पड़ता है। अबे तू चुप करना साले। चलो नहीं, तुम जाओ। देखो तुम लोगों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वरना मुझे कौन बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अबे ये क्या जबरदस्ती है भाई, तुम्हें शॉपिंग जाना है तुम जाओ ना, हमें बाथरूम जाना है, हमने बोला कि तुम्हें भी हमारे साथ जाना ही पड़ेगा, हम पे किस बात का दंड है? इस गाड़ी को चुराने का और एक लड़की को किडनैप करने का, समझे? अरे हमने कब, अरे भाई छोड़ ना यार, अभी तू ही तो मुझे समझा रहा था कि टाइम आने पर मतलब। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बस बच्चों बहुत हो गई शॉपिंग, अब चुपचाप हाथ ऊपर करो और चलो हमारे साथ। सूरज तू जल्दी गाड़ी निकाल। मेरे कपड़े। अरे कपड़े बाद में ले लेंगे, तो चुप बैठ जा। हेलो, भगा यार भगा, पीछे ना आ रहे हो भाई। अब मैं भगा तो रहा हूँ, मैं चलाऊँ प्लीज। अबे एक तो जंगल में आग, ऊपर से चड्डी में साग। अबे साग नहीं नाग। अबे नाग छोड़ भाग। भाई वो लोग बच गए। तो गाइज कैसी लगी यार वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और पार्ट वन में आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये जो हाथ में चोट लगी है ये स्क्रिप्ट में था या फिर सही में लगी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये चोट सही में लगी थी। और मुझे लगा कि वीडियो में डालूंगा तो अजीब लगेगा, मतलब थोड़ा अगर पूरी वीडियो में ऐसे रहूंगा, तो इसलिए मैंने उसमें एक सीन भी डाल दिया। इस वीडियो का पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा था तो ये रहा, और पार्ट थ्री आने के बाद मैं उसे यहाँ लगा दूंगा। आप कमेंट करके ये बताना कि इस वीडियो को मैं तीन पार्ट में बनाऊं या चार पार्ट में। अगर आप चार पार्ट में कहोगे तो चार पार्ट में बना दूंगा, ठीक है। और ये जो हाथ में लगी हुई है ये स्लिंग 3 महीने के अंदर अंदर उतर जाएगा, तब तक ऐसी बनेंगी वीडियोस, तो थोड़ा झेल लेना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।